नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सपोर्ट से मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट किया कि सगुन के डीपी में पेरोडा रेट कैसे डालें, तो आज की वीडियो में इसी का बनाऊंगा कि सगुन का डीपी हमारा नेशनल पेरोडा रेट कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में बताऊँगा। और मेनू वाला बटन दबाएँगे, सबसे पहले रेट सेटिंग में जाएंगे आप लोग, जनरेट रेट, फ्री ऑप्शन पर आपको रेट डालने हो R1, R2, R3 उस पर डालेंगे, फॉर्मूला भी इस पर एंटर करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे अपने DPU का। सबसे पहले यार आप KG फैट SNF काओ, तो इसे हम 5248 से ही डालेंगे, 65 स्टैंडर्ड फैट, 65 स्टैंडर्ड SNF 9.0 स्टैंडर्ड रेट, आपको जितने के भी रेट डालने हो, मानता हूँ मैं मुझे 42 के रेट डालने हैं इस DPU में, तो 42। अब दोबारा मैं प्रोडक्ट रेट डालने के लिए हम फैट परसेंटेज को बफेलो पे फैट परसेंटेज को पूरा 100 कर देंगे, SNF हो जाएगी 0, स्टैंडर्ड फैट वही रहेगी 65, SNF वही रहेगी 90 और स्टैंडर्ड रेट वही रहेगा 42। और दोस्तों, इसके साथ आपको एक सेटिंग और चेंज करनी होगी इसमें, वो सेटिंग ये है कॉन्फ़िगरेशन फैट SNF रेंज। सबसे पहले रेंज फॉर काव रहेगी, लिख के आएगा उसमें मिनिमम फैट आप 20 रखेंगे और फैट मैक्सिमम रखेंगे 65, इसमें भरी हुई है ऑलरेडी, और मिनिमम SNF 50 और मैक्सिमम SNF 100 10.0 इसे ही रखेंगे। और इसके बाद रेंज फॉर बफेलो रखेंगे आप, मिनिमम फैट रखेंगे बफेलो के लिए 6.6 और मैक्सिमम फैट रखेंगे 12.0 और मिनिमम SNF वही रखेंगे 5.0 और मैक्सिमम SNF 10.0 और एंटर कर देंगे। दोस्तों, आपके डीपी में पेरोडा रेट पड़ गए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।